सोमवार को गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटीज टेक्निकल कैंपस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज बोकारो में राज्य स्तरीय साइंस एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन 2022 झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के सौजन्य से आयोजित हुआ, जिसमें उप कुलपति JUT प्रोफेसर विजय पांडे मुख्य अतिथि रहे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बच्चे बहुत ही इनोवेटिव हैं, उनके मॉडल्स हमने देखे, उन्होंने काफ़ी उनकी नई सोच है और इससे पता लगता है कि बोकारो की स्कूलिंग भी बहुत ही अच्छी है, उनको यहाँ बहुत अच्छा एजुकेशन मिल रहा है और उन्होंने काफ़ी इनोवेटिव सोच का प्रदर्शन किया है, काफ़ी क्रिएटिव बच्चे हैं यहाँ के और इस तरह के प्रोग्राम होते रहने से उनको प्रोत्साहन मिलता रहेगा। अच्छा लगा इस मंच पे आके, बहुत चीज़ें देखने को मिली, सुनने को मिली और बच्चों के आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे। काफ़ी 2 सालों के बाद हमारे बच्चे एक कुछ करने के लिए स्टेज पे आए, बहुत अच्छा लगा देख करके। मैंने ऐसे 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 प्रोग्राम्स काफ़ी आवश्यक हैं बच्चों के मोटिवेशन के लिए, उनके स्टार्टअप्स के लिए, उनके एंथुसिएज्म को बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है, ये होते रहने चाहिए। प्रदर्शनी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी जजुहार ने तकनीकी शिक्षा व अनुसंधान पर स्वागत वक्तव्य दिया। यहाँ साइंस एग्जीबिशन था जो कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि राज्य की एक यूनिवर्सिटी है, तकनीकी यूनिवर्सिटी रांची में, जिसके अंदर सभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा MBA और फार्मेसी कॉलेज झारखंड राज्य के आते हैं, तो उनके एसोसिएशन के साथ आज ये रखा गया था। ये काफ़ी सफल रहा, इसमें हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर विजय पांडे साहब ने शिरकत किया और कई स्कूल कॉलेजों के प्रिंसिपल, टीचर, साइंस टीचर, स्टूडेंट ने भाग लिया। करीब 100 से अधिक इसके अंदर हमें प्राप्त हुई थी एप्लीकेशन, जिसमें 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट आज हम लोग ने दिखाया है और इसी का मेन उद्देश्य था कि विज्ञान का जो की जो मानसिकता है, वैज्ञानिक जो सोच कहते हैं जिसको टेम्परामेंट, उसका विकास करना, क्योंकि देखा जा रहा है झारखंड में भी 21वीं शताब्दी के बाद भी कई बार देखा जा रहा है कि लोग जो है डाइन या दूसरे कारणों से देखते हैं कि बच्चों की या स्त्रियों की या बूढ़ी माताओं की हत्या हो जाती है, तो वैज्ञानिक सोच कहीं ना कहीं समाज में देने की कोशिश हो रही है और कैसे देश मजबूत हो, क्योंकि विज्ञान एक सशक्तिकरण का मुख्य माध्यम है। आज हम देख सकते हैं विश्व स्तर पर जो देश विज्ञान और तकनीकी में बहुत आगे हैं, तो वो बहुत आगे जा रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, तो हमारे छात्रों को हमने समर्थ बनाना है और उन्हें विश्व में अग्रणीय भूमिका अदा करनी है। तो आज के दिन CV रमन जी को याद करते हुए, शांति स्वरूप भटनागर जी को याद करते हुए, डॉक्टर जहांगीर भाभा साहब को याद करते हुए, कलाम साहब को याद करते हुए हम लोग इसको मना रहे हैं। उपकुलपति JUT प्रोफेसर विजय पांडे ने अपने वक्तव्य में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हो रही प्रगति के बारे में बताया तथा युवाओं को देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए उनका आह्वान किया। संस्थान सचिव सुरेंद्र पाल सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित इस प्रदर्शनी के आयोजन और उसकी उपयोगिता के महत्व पर रोशनी डाली। देखिए, इनोवेशन और क्रिएटिविटी जो है पार्ट ऑफ द लाइफ है, ठीक है, और हमारा प्रयास ये है कि मैक्सिमम बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए सो दैट कि वो हमेशा क्रिएटिविटी को अपने प्राइम गोल के रूप में आगे रखें। इस प्रदर्शनी में चयन प्रक्रिया के बाद 19 मॉडलों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम GGPS चास, द्वितीय GGPS सेक्टर 5, तृतीय श्री अय्यप्पा स्कूल, चतुर्थ GGPS टेक्निकल कॉलेज की टीमें आई और श्री अय्यप्पा स्कूल महिला पॉलिटेक्निक बालीडी, GGPS धनबाद, GGPS चास और सेक्टर 5 होली क्रॉस व GGPS ET टेक्निकल कैंपस की टीमों को स्वांतरणा पुरस्कार मिला। JTN न्यूज़ ब्यूरो, बोकारो।